चाहूंगी कि बिग बॉस का जर्नी आपका कैसा रहा। बिग बॉस का जर्नी जो है मेरा काफ़ी शॉकिंग रहा और मुझे काफ़ी ज़्यादा शॉक मिले जर्नी के अंदर, एंड स्पेशली जब मैं एविक्ट हुआ उस वक्त पे मुझे काफ़ी बुरा लगा, एंड आई एम स्टिल डिसअपॉइंटेड एंड शॉक्ड। आपने सोचा था कि इतनी जल्दी आप घर से निकलने वाले हैं, क्योंकि जब आपका नाम लिया गया तो किसी से एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपका नाम लिया जाएगा निकलने के लिए। देखिए, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद हो तो एक टास्क हुआ था, राक्षस वाला टास्क, और मैंने वो बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया था और 4-0 से मैं वो टास्क में जीता था। सो आई थिंक ये पहली बार बिग बॉस की हिस्ट्री में हुआ है कि किसी इंसान ने इस डिफरेंस से टास्क जीता हो और वो घर के बाहर एविक्ट कर दिया गया हो। सो आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग द प्रॉपर रीज़न कि ऐसा क्यों हुआ है और किस वजह से हुआ है। आपको क्या लगता है फिर भी कि बिग बॉस 13 से इतनी जल्दी निकलने का क्या कारण हो सकता है? मुझे एक्चुअली वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि इतनी जल्दी कैसे एविक्ट किया जा सकता है। चलो चलिए ठीक है, अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही, अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ और एविक्ट होते हैं, सो आई थिंक वो फेयर डिसीजन होता। लेकिन जो मैंने किया, मैंने जिस तरीके से टास्क परफॉर्म किए, जो भी टास्क परफॉर्म किए, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी ये होना चाहिए था। आप बिग बॉस के घर में जाने से पहले कितना फॉलो किए थे बिग बॉस 13 को? देखिए, बिग बॉस के हम लोग शुरू से फ़ैन रहे हैं और बिग बॉस देखते ही हैं लोग, और बिग बॉस क्योंकि इंडिया का नहीं बल्कि एशिया का नंबर वन रियलिटी शो है। सो आई एम अ ह्यूज फ़ैन ऑफ बिग बॉस, और मुझे लगता है कि इस तरीके का एविक्शन बिग बॉस में पहली बार हुआ है। आपका जिस तरह से रश्मि के साथ बॉन्डिंग है, कभी उनके साथ आप मस्ती करते नजर आते थे, फिर कभी लड़ाई झगड़े भी नजर आते थे, सो थोड़ा उसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, जब मैं यहाँ से गया उस वक्त पे रश्मि मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मीडिया ने हम लोगों के बारे में काफ़ी छापा कि हम लोग शादी करने वाले हैं, हम लोग डेट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जब तक ऐसा कुछ था नहीं। अंदर जाने के बाद जब मुझे रश्मि के साथ काफ़ी टाइम बिताने का मौका मिला, काफ़ी वक्त हमने साथ में गुजारा, सो मुझे कहीं कहीं ये फील होने लगा कि ये दोस्ती से कहीं ज़्यादा कुछ ऊपर है। अब वो फीलिंग मैं एक्सप्रेस कर पाता, मुझे उस फीलिंग के लिए बताने के लिए टाइम मिल पाता, इससे पहले मेरा ये शॉकिंग एविक्शन आ गया। सो वो सारी चीज़ें ना बीच में रह गई। सो मुझे लगता था कि एक इंडियन टेलीविज़न की हिस्ट्री की सबसे बड़ी लव स्टोरी थी जो ऑडियंसेस के सामने आ सकती थी, लेकिन वो किसी तरीके से नहीं आ पाई। सो आपको क्या लगता है कि रश्मि भी कुछ ऐसा ही फील करती थी दोस्ती से बढ़कर? जी हाँ, मैंने बिल्कुल ये चीज़ देखी है और हम लोगों की जिस तरीके से बात हुई है, सो मतलब यू कैन मेक आउट देख के कि हाँ, दोनों तरफ। जिस तरह से आप घर से निकले उसके बाद रश्मि इतनी रोई जा रही थी, रोई जा रही, बहुत ही ज्यादा सैड थी घर में, सो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, उस पर मैं क्या बोलूँ, उस पर तो ऑडियंस बोल ही रही है, और मैं कल से देख रहा हूँ ट्विटर के ऊपर और इंस्टाग्राम पे, जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं उन पे मैं देख रहा हूँ कि आई एम सो थैंकफुल कि मेरे जो फैंस हैं वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, और हर इंसान आगे बढ़ बढ़ के इस चीज़ पे बात कर रहा है ट्विटर के ऊपर, ट्वीट्स कर रहा है, एंड वाई आरहान खान, वाई आरहान खान। अगर आपने देखा हो, पूरे 12 घंटे ये ट्रेंड हुआ है और हर इंसान इसके लिए आवाज़ उठा रहा है कि वाई आरहान खान, क्योंकि लोग चाहते थे कुछ ज़्यादा चीज़ें देखना, लोग चाहते थे कि ये हमारी लव स्टोरी भी लोगों के सामने आए, एंड जो कि हो नहीं पाया। एंड आई थिंक ये लोगों का जो प्यार, ये सपोर्ट जो मुझे मिल रहा है, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट दे रहे हैं। आप जिस तरह से घर से निकले वो अनएक्सपेक्टेड था, सो आपको क्या लगता है कि उस दिन कौन घर से निकलने वाले थे? देखिए, मैं ये तो नहीं बता सकता कि कौन निकलने वाला था, क्योंकि ये मुझे पता नहीं है, लेकिन एक्चुअली अगर आप गेम देखें, गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मेरा गेम बाकी काफ़ी लोगों से बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि अब तक जैसा भी हमने आपने देखा है कि ज़्यादातर टास्क जो हैं वो रद्द हुए हैं। सो मेरे जाने के बाद जो टास्क हुआ, मैंने अपना पूरा 100% दे के टास्क किया, और बाकी के भी जो टास्क हो रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रहे थे। ये इस घर में दो ग्रुप बटा हुआ है, सो आपको क्या लगता है कि दोनों ग्रुप में सबसे ज्यादा स्ट्रांग ग्रुप कौन लग रहा है? देखिए, ग्रुपिज्म की जो बात है, ऑफ कोर्स घर में दो ग्रुप हैं, एक सिद्धार्थ शुक्ला जी का ग्रुप है और एक रश्मि देसाई जी का ग्रुप है, राइट। अभी अगर आप कंपेयर करें हर तरीके से, तो मुझे लगता है कि सिद्धार्थ का जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और सिद्धार्थ जी का के लिए अब घर में कोई कंपटीशन बचा नहीं। एक्चुअली बराबर, जब मैं घर के अंदर था तो आपने देखा हो तो बराबरी की टक्कर थी, मतलब ऐसा लगता था कि हाँ, अभी गेम देखने में ज़्यादा मज़ा आने वाला है आगे। लेकिन वो जो तकरार है, वो जो टक्कर है, वो जो एक पावरफुल गेम होता, वो कहीं ना कहीं बीच में रुक गया। ओके, अभी विशाल न्यू एंट्री उनकी हुई है, सो आपको क्या लगता है वो किस ग्रुप में जाएंगे, वो कैसा खेल रहे हैं?
देखिए विशाल का गेम मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो जब अंदर घुसे थे उन्होंने कहा था मैं बहुत न्यूट्रल हूँ और बहुत न्यूट्रल तरीके से गेम खेलूंगा और मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मैं अकेला हूँ और मैं ये हूँ मैं वो हूँ। लेकिन जैसे कि हमने बाद में देखी चीज़ें काफ़ी सारी कि वही सेम राक्षस वाले टास्क के अंदर विशाल जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला से जाके बात कर रहे हैं, सिद्धार्थ शुक्ला ने बोला आप रश्मि की प्लेट तोड़ दीजिए, उन्होंने रश्मि की प्लेट तोड़ दी, फिर यहाँ आने के बाद में वो लोग हम लोगों से बात कर रहे थे नीसेट कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला की प्लेट तोड़ूंगा, उन्होंने जाके फिर सिद्धार्थ शुक्ला की प्लेट तोड़ दी। मतलब उनका गेम ही कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना वो इधर के हो पा रहे हैं ना इधर के हो पा रहे हैं, वो बीच में अटक गए। और आपने अगर देखा हो कैप्टनसी का टास्क खत्म होने के बाद विशाल दोनों ही ग्रुप ने विशाल से थोड़ी थोड़ी सी दूरियां बना ली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को लगा कि ही इज़ नॉट प्लेइंग अ फेयर गेम और जेन्यून गेम, ये सिर्फ इसकी बड़ी बड़ी बातें हैं उसके अलावा और कुछ नहीं। सो आपको क्या लगता है कि वो किसी एक ग्रुप के बनकर रहेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो किसी ग्रुप के बन के रहेंगे, और अगर वो ग्रुप ज्वाइन भी करते हैं तो मुझे लगता है कि वो ऑफकोर्स सिद्धार्थ के ग्रुप में ही जाएंगे, क्योंकि अकेला खेलने का दम हर इंसान में नहीं होता। एक खाली मैं अकेला अभी तक का बिग बॉस 13 का एक ऐसा कंटेस्टेंट था जो जाके ऑपोजिट खड़ा हुआ था, सही चीज़ों को मैंने सही बोला, गलत चीज़ों को मैंने गलत बोला। और इनफैक्ट जब मैं सिद्धार्थ के ग्रुप के साथ भी मैंने जो टास्क किया था, अगर आपने देखा हो लग्जरी बजट वाला जो टास्क है जो मैंने सिद्धार्थ के ग्रुप के साथ में किया था, वो मैंने बहुत फेयर तरीके से खेला, और मेरी ऑपोजिट टीम थी रश्मि वाली टीम, और फिर भी मैंने उनका घर तोड़ा। अगर मैं चाहता तो मैं नहीं तोड़ सकता था, मैं चाहता तो मैं नहीं गेम में अपना 100% देता, बट क्योंकि मैं शुरू से एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और मुझे लगता है कि गेम के अंदर जेन्युइन डिसीजन होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आपको अपना 100% देना ज़रूरी है, फिर चाहे टीम कोई भी हो, मैंने अपना काम किया। माहिरा और पारस की बॉन्डिंग के बारे में क्या बताना चाहेंगे? वो कहाँ तक जा सकते देखिए हैं? माहिरा और पारस की बॉन्डिंग जो है एकदम फेक है, और ये सब जो भी चीज़ें हो रही हैं सिर्फ गेम के लिए हो रही है, मतलब इतना कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग माहिरा और पारस की है नहीं, और ये रिश्ते कोई पक्के रिश्ते हमें दिख नहीं रहे, कि देखते हैं आगे जाके क्या होता है। आपको क्या लगता है घर में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किसकी किसकी बनी है? देखिए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मैं था तो मेरी रश्मि की बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, मेरी देबोलिना की बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, मेरी और केसारी की बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, सिद्धार्थ और आसिम की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इसके अलावा मुझे घर में और कोई बॉन्डिंग दिखती नहीं है। देवोलीना और रश्मि की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। जी आपको क्या लगता है कि देवोलीना कभी रश्मि को धोखा दे सकती है? देखिए गेम है और गेम में कौन किसको धोखा दे दे ये आप नहीं जज कर सकते, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर मैं गेम में होता तो मैं कभी ज़िंदगी में धोखा रश्मि को तो नहीं दे सकता था, मतलब मैं तो हमेशा साथ में ही खड़ा होता। आपको क्या लगता है घर में सबसे अच्छा कौन खेल रहा है? मेरे हिसाब से घर के अंदर जो अच्छा खेल रहे हैं उसमें एक रश्मि बहुत अच्छा गेम बहुत अच्छे तरीके से खेल रही है, जैसी वो है उसी तरीके से वो शी इज़ बीइंग रियल, वो अच्छा खेल रही है। आई थिंक सिद्धार्थ अच्छा गेम खेल रहा है, और अभी तक तो मुझे ये दो नाम ही दिखते हैं जो लोग जेन्यूनली फेयर गेम खेल रहे हैं, अच्छा गेम खेल रहे हैं। सॉरी ओके सो आपको लगता है कि रश्मि और सिद्धार्थ की दोस्ती हो पाएगी इस घर में? देखिए दोस्ती का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने भी जाके दोस्ती कराने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद मैंने भी काफ़ी ज़्यादा सरकाज़म का सामना करना पड़ा, और मुझे सुनाया गया उस बात पे कि अरे ये तो दोस्ती कराने आया था, तू दोस्ती कराने आया था ना हमारी, तू ये करने वाला था ना, तू ये है तू वो हो। सो खैर मुझे लगता है कि एक रिश्ता ऐसा है जिसमें दोस्ती कभी नहीं हो सकती। आपको घर में सबसे बिग कौन नजर आ रहा है? सबसे सबसे बिग वीक कमजोर या घर के अंदर मुझे सबसे वीक जो है वो काफ़ी लोग हैं, हिमांशी है, केसारी लाल जी हैं, मायरा है, पारस है, इनफैक्ट अभी अगर आप देखें उसका गेम 2-3 हफ्तों से उसका कोई गेम ही नहीं चल रहा, पारस है, और मतलब ये बेसिकली ये 3-4 नाम तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बॉटम में हैं। जिस तरह से आपका और सिद्धार्थ का झगड़ा होता था या फिर तो कभी ऑन ऑफ कैमरा जो हम लोग नहीं देख पाए, दोस्ती भी हुई थी क्या? देखिए दोस्ती तो ये थी कि जब झगड़ा हुआ था उसके बाद में मैं मेरी तरफ से चीज़ें ख़त्म हो गई थी, और मैंने कहा था कि यार झगड़े हैं इस घर में होते रहेंगे, लेकिन आई थिंक उनकी तरफ से चीज़ें ख़त्म नहीं हुई थी, और उस चीज़ का मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ कि क्यों मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि पहले दिन दूसरे तीसरे दिन जब हमारा झगड़ा हुआ था उसके बाद में चीज़ें नॉर्मल होने लगी थी, बट हमारे जब भी कोई टास्क आते थे, जब भी कोई एविक्शन आता था, जब भी कोई चीज़ आती थी नॉमिनेट करने का, जब भी कुछ आता था, तो वो लोग मुझे पहले दिन जो हमारा झगड़ा हुआ था वही सेम बातें पूरे 15-20 दिन रिपीट होती थी। और आप लोगों ने अगर मुझे कहते हुए सुना हो, मैंने ये बात कही भी थी कि यार ये पहले दिन की दूसरे दिन की बात है, इस बात को छोड़ दो, हम इससे आगे निकलते हैं और आगे कुछ नई बातें होंगी, नई बातें होती हैं उनको लेके हम लोग दोस्ती या दुश्मनी करते हैं। पारस का गेम आपको कैसा लग रहा है? जिस तरह से वो सबको बोलते हैं कि हाँ आपका सपोर्ट करेंगे, बट वो धोखा दे देते हैं एंड टाइम पे। देखिए जितना मैं पारस को जानता हूँ, पारस की फितरत के अंदर लॉयल्टी नहीं है, मैं पारस को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ,
पारस लॉयल नहीं है, लॉयल इंसान नहीं है वो। सामने क्या बात करता है, पीछे क्या बात करता है, मतलब एक पारस छाबड़ा वो इंसान नहीं है जिस पे आप भरोसा कर सको। यू कैन ट्रस्ट हिम। आप घर से निकल गए हैं, सो सबसे ज्यादा आपको कौन मिस करने वाली है? देखिए बट ऑफ कोर्स अब मैं इस चीज़ के लिए आप लोगों को सबको बताया कि सबसे ज़्यादा मुझे रश्मि मिस करने वाली है। और जिस तरीके का मेरा जब एविक्शन हुआ था, मैं बाहर निकल रहा था और जिस तरीके से वो रोई थी, आई थिंक काफ़ी लोग उससे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है लोगों को, और काफ़ी लोग सपोर्ट में उतर के आए हैं। बहुत लोगों का ये मानना है कि सलमान खान बायस्ड हो रहे हैं एज अ होस्ट, आपका क्या मानना देखिए है? मुझे नहीं लगता सलमान भाई बायस्ड हैं, क्योंकि वो एक होस्ट हैं, उनका काम है, उनसे जो कहा जाता है वो करते हैं। और इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद में बायस होना, आई डोंट थिंक सो कि हम ये सोच भी सकते हैं कि वो इंसान बायस हो सकता है। आपके हिसाब से टॉप 3 कंटेस्टेंट फाइनलिस्ट कौन लगते हैं? मेरे हिसाब से टॉप 3 कंटेस्टेंट जो मुझे लगते हैं, उनमें से पहला नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि एंड आई थिंक देबोलीना। आपके हिसाब से कौन जीतने ही चाहिए? और अगर मैं जाता हूँ फिर से तो ऑफकोर्स मैं खड़ा हूँ उस टॉप 3 के अंदर। आपके हिसाब से आपके फ्रेंड कौन जीतने चाहिए घर में से? ऑफकोर्स मुझे रश्मि जीतनी चाहिए, और ये मैं सबसे बोल रहा हूँ और पहले दिन से यही बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि रश्मि इस गेम को अच्छे तरीके से खेलें और जीत के ट्रॉफी लेके आए। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बोला कि आप बिग बॉस को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, सो सबसे फेवरेट सीजन आपका कौन सा रहा? बिग बॉस में मेरा काफ़ी फेवरेट सीजन रहे हैं मेरा। इनफैक्ट प्रिंस वाला सीज़न जो था जिसमें जीता था वो मेरा अच्छा सीज़न था, क्योंकि मैंने पूरा सीज़न देखा था। एंड सेकेंडली शिल्पा दी जिस जो सीज़न जीती हैं, मुझे लगता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सीज़न था जिसमें हिना हिना कांच और शिल्पा जी विकास ये लोग थे। सो आई थिंक इन लोगों ने, तीनों लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से गेम खेला था और वो सीज़न काफ़ी पसंद आया था मुझे। अगर दोबारा चांस मिले आपको बिग बॉस घर में जाने के लिए, आप जाना चाहेंगे? जी हाँ मैं बिल्कुल ऑफकोर्स जाना चाहूँगा, क्योंकि मेरी एक सबसे बड़ी चीज़ छूट गई है, क्योंकि आज तक मुझे लगता है मैंने जो कहा है वो मैंने किया है। एंड आई थिंक अगर मेरे दिल में ये चीज़ आई है कि अगर मुझे रश्मि देसाई जी को अपने दिल की बात बतानी चाहिए, सो ऑफकोर्स मैं अंदर जाके और ये बात पूरे हिंदुस्तान के सामने बताना चाहूँगा। एंड लास्टली आप मैसेज क्या देना चाहोगे अपने ऑडियंस को? लास्टली मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मैं चाहता हूँ आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए, और जिस तरीके से अभी हम ट्रेंडिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर सारी चीज़ें ठीक रहीं तो आप लोग फिर से मुझे अंदर देख सकते हैं। Can we have a hand, please?